मथुरा जनपद के छाता क्षेत्र के किसानों ने बारिश की वजह से हुए फसल के नुकसान को लेकर उपजिलाधिकारी छाता को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने मुआवजे की सरकार से मांग की। मथुरा जनपद के छाता क्षेत्र के किसानों ने बारिश की वजह से हुए फसल नुकसान को लेकर जिलाधिकारी छाता को अपना ज्ञापन दिया और मुआवजे की सरकार से मांग की। भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि धान, बाजरा, सरसों, कपास, ये सब फसलें बारिश की वजह से नष्ट हो गयी। इस नुकसान का मुआयना कर किसानों को शीघ्र मुआवजा दिलाया जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि किसानों के सभी प्रकार के वसूली पर रोक लगाई जाए, कृषि ऋण माफ किया जाए और आगामी रबी फसल की बुवाई के लिए खाद बीज भी मुहैया कराया जाए। आज हमने SDM साहब को, माननीय जी को ज्ञापन दिया है, जो बेमौसम बारिश हुई है उस बारिश से किसान तबाह हो गया है। धान, बाजरा, ज्वार, सरसों की बुई हुई फसल सारी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। किसके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, कौन सी यूनियन से है आप? किसान सभा मथुरा के द्वारा दिया गया है। तो आज देखने में आ रहा है कि कई दिन बीत जाने के बाद में आज आपने ज्ञापन दिया है, तो आज क्या बोला है SDM साहब ने आपको? SDM साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और हमारी मांगों पर वो शीघ्र कार्रवाई करेंगी। हमने खाद बीज की व्यवस्था की कही है कि रबी की जो फसल आएगी उसमें खाद बीज की किसान को परेशानी न हो। छट्टा गौवंश है, सड़क पर घूम रहा है, दुर्घटना हो रही है, उसके बारे में भी हमने कहा है, तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि हमें ईओ साहब से बात करी है। अच्छा, बारिश को अब करीब करीब 2 दिन हो गया बंद हुए, तो आपने कहीं सर्वे के लिए जो तहसील द्वारा जो टीम होती है वो नज़र पड़ी आपको फील्ड में? हाँ, नज़र पड़ी। हमारे लेखपाल जी वो कल चौमा गए, जाना स्टार्ट हुआ है फील्ड में उन लोगों का? हाँ, जाना स्टार्ट हुआ है। SDM साहब काफ़ी सक्रिय हैं किसानों की समस्या सुनने के लिए और हमें पूरा आश्वासन दिया है, हम आश्वस्त भी हैं। SDM साहब हमारी समस्याओं को जल्दी सुन रहे हैं। एक तो ये बेमौसम बरसात हुई है, इस बरसात से नुकसान धान बाजरा पहली फसल और जो बुवाई करी गई है सरसों की वो फसल सब नष्ट हो गई। दूसरी बात, हमारे यहाँ गाय, सब जगह गाय छुट्टा पशु घूम रहा है, इस पशु ने इतना किसानों को परेशान कर रखा है और फिर एक्सीडेंट होके मर रहे हैं। बारिश की बात करें तो कितना परसेंट नुकसान हुआ होगा आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ तो 75-80% नुकसान है जी। तो उधर जो बारिश का मुआयना करने के लिए टीम यहाँ से जो तहसील से जाती है वो फील्ड में सक्रिय हैं, जा रही हैं? हमारे यहाँ पटवारी गए, जो हमारे यहाँ पटवारी है तो गए, वैसे और कोई ना गए। तो इस संबंध में आप जिलाधिकारी छाता से मिले, अपनी समस्या को लेकर क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है हमें और काम करने के लिए कहा है, बिल्कुल काम होगा, आश्वस्त। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्रीमियम संस्थान, PGS नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, मथुरा भरतपुर रोड, मुढ़ेसी, मथुरा।